नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्रामीण डाक सेवक के सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद चैनल पर। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ जो आ रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने CAT के जो डिसीजन आया था उसका पालन नहीं किया है। वहाँ पे सैलरी नहीं दी गई है, ना ही कोई सुविधाएं दी गई है जैसा CAT ने बताया था। तो CAT ने दोस्तों 2016 में ये बताया था कि ग्रामीण डाक सेवकों को जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय है, यानी जो परमानेंट एम्प्लॉय है, उससे 5/8 यानी 5/8 वेतन तो मिलना ही चाहिए। इस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर उनका वेतन 30,000 है तो उसका 5/8 दोस्तों 18,750 रुपये, 18,000 कम से कम यहाँ पे GDS को मिलने हैं। ये था दोस्तों CAT का कहना। और बाकी सुविधाएं भी मिलने चाहिए जैसे HRA और कंपोजिट अलाउंस वगैरह। तो दोस्तों ये अभी तक नहीं माना गया है, 1 साल हो गए हैं। तो दोस्तों अब क्या केस है, अब जो केस आया है इसमें बताना चाहूँगा। यहाँ पे कुछ ग्रामीण डाक सेवकों ने याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि CAT का कहना नहीं माना गया है। CAT का कहना सब मानते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो या कुछ भी हो। CAT होता है केंद्र शासित जितने भी सरकारी नौकरी है, इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर मानी जाती है। तो दोस्तों डाक सेवकों ने यहाँ पर याचिका जब दाखिल कराई थी 29 नवंबर 2017 को, आदेश में दोस्तों ये पाया गया है कि डाक विभाग और केंद्र सरकार यहाँ पे ये सही नहीं कर रहा है और इन्हें नोटिस भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी है और यहाँ पे नोटिस भेज दी गई है। और अब बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा कि इनका रिप्लाई क्या आता है, क्या कारण वो बताते हैं कि GDS को क्यों नहीं मिलने चाहिए सैलरी और क्यों नहीं मिलना चाहिए पेंशन। तो दोस्तों आप बने रहिए चैनल के साथ, हम बताएंगे उनका क्या रिप्लाई आता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फटकारा तो है, 1 साल हो गए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे की रिपोर्ट के लिए।